क्वेश्चन नंबर 87 अजय निषाद जी, प्रश्न संख्या 87 89 क्लब कर दिए। प्रश्न संख्या 87 सर। माननीय मंत्री जी, सर द आंसर इज लेट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बहुत व्यापक जवाब दिया है, फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एलडी NPHEI में पिछले 5 वर्षों में कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई। सर, आई मे इन्फॉर्म द ऑनरेबल मेंबर्स दैट अंडर दिस स्कीम वी हैव इनफैक्ट वी हैव क्रिएटेड टू नेशनल सेंटर्स फॉर एजिंग एंड दीज आर एट मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड एम्स। दे आर इन द वेरियस एंड फॉर ईच ऑफ दिस सेंटर्स वी हैव प्रोवाइडेड 270 crores ईच टू दीज टू प्लेसेज एंड देन ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड 19 रीजनल जीरियाट्रिक सेंटर्स एंड इन दीज रीजनल जीरियाट्रिक सेंटर्स वी हैव 30-bedded इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी लैब्स एंड स्पेशलाइज मैन पावर एंड वी गिव 4 crore टू ईच ऑफ द सेंटर्स। देन ऑल्सो एट 713 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री वी हैव प्रोवाइडेड दिस टोटल सपोर्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ 10-bedded जियाट्रिक वार्ड्स एंड फिजियोथेरेपी लैब्स एक्सेट्रा थ्रू द नेशनल हेल्थ मिशन एंड दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल एट 3,430 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स वेयर वी हैव 2 days स्पेसिफिक OPD फॉर द सीनियर जीरियाट्रिक पेशेंट्स अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी एंड लैब्स एक्सेट्रा। इन 552 डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द OPD एंड दिस प्रोग्राम हैज़ यू सी अवर नेशनल हेल्थ मिशन हैज़ प्रोविजन वेयर बाय वी हेल्प द स्टेट्स टू हायर 2 doctors exclusively for the care of the elderly। मैं माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई द्वारा जमा की गई LASI रिपोर्ट के मुख्यतः क्या परिणाम है। सर, ये जो स्टडी है ये स्टडी 2015 में प्रारंभ की गई थी। इसमें करीब 61,000 सैंपल साइज था इसका, 61,000 एल्डरली लोगों के साथ अध्ययन किया गया था और इसमें इसके दो फेजेज हैं, वेव 1 एंड वेव 2। वेव 1 कंप्लीट हुआ है जिसमें जो 61,000 लोगों से बातचीत करके, इनफैक्ट कल ही शाम को इसकी जो है रिपोर्ट जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट की गई है। अब यही 61,000 लोगों के बीच में जो है ये स्टडी जो है दोबारा से की जाएगी, जिसको कि वेव 2 कहेंगे और इसमें जो हेल्थ स्टेटस है, हेल्थ केयर ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के बारे में, उनके सोशल स्टेटस के बारे में, उनके इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर बहुत डिटेल में बताई गई हैं। जैसे ये स्टडी कंप्लीट होगी इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाएगी।